जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हाँ सही रंग। जिस तरह के तुहानू पता है, असं अपने चैनल के राही अगे भी पंजाब की जी खूबसूरती है वह तुम दिखाते रहने हैं। उस तरह अज असी मंडी सादिक गाई का एक रेलवे स्टेशन तुम दिखा है। इन जी अज की खूबसूरती है, या कुछ दिन पहले जो ये चलता स उसके निस्बत अज जी तब्दीली आई है वो तुम्हें दिखावे। नाले इन बारे कुछ ना कुछ तुम दसागे भी। साढ़े नाल मौजूद ने शहजाद जोया साहब, फिर इन बारे गलबात करेंगे और दसेंगे। सारे वेखण वालों शहजाद जोया वालों प्यार भरा सलामकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। रेल गड्डी एक इशतारा है विछोड़े का, विशाल रेल की सिटी बचद्या ही बहुत सारे दिलों के मिलन की उमंग पैदा होती है, तो उत्थे रेल की सिटी कई विछोड़े का दुख भी पाती। अज असी मौजूद हाँ एक योजे रेलवे स्टेशन पर जिंकी तारीख बहुत पुरानी है, जिस रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे दिल मिले और बहुत सारे दिल बिछड़े। मैं अज मौजूद हाँ जिला बहावल नगर के किसी दौर के मसरूफ त्रीन रेलवे स्टेशन मंडी सादिकगंज से। मंडी सादिकगंज का रेलवे स्टेशन 1892 के विच तामीर होया, और इस रेलवे स्टेशन राही बहावलपुर, समा सट्टा और हैदरू जयपुर तक जदों पाक इंडिया के बॉर्डर खुले सन, जदों सरहदा नहीं सन, जदों बटवारा नहीं होया सी, ते ए रेलगड्डी बहुत सारे इधर के मुसाफरां नू जयपुर तक, इधर के मुसाफरां नू चुक के दूर दूर तक ले जांदी सी। इस हवाले नाल मजीद गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने इत्थों दे लोकल हिस्टोरियन, मशहूर मुहक्क ने, टीचिंग दे शोभा नाल भी यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर दे विच भी पढ़ाते रहे, जनाब रिजवान अख्तर सोलवर्ती साहब। रिजवान साहब जी आए सर को थोड़ा जहा इस रेलवे स्टेशन के बारे मंडी सादिकगंज रेलवे स्टेशन के बारे सानू कुछ दसो, और आवाम सुनना चाहती है क्योंकि बहुत सारे लोग जिहड़े उठ के गए सन और बाहर जा बसे ने मंडी सादिकगंज और इधर रेलवे स्टेशन का बड़ा जिक्र करते जी, थोड़ी जी इस पर जान पाओ। ये रेलवे स्टेशन 1892 में तमीर किया गया। इस दे दो ट्रैक चलते सन, एक ट्रैक जिहड़ा है वह अमरूका स्टेशन तो होकर रियासत बीकानेर तक जाता सी, दूसरा ट्रैक जिहड़ा है वह छत्ते के वाले पासों टर्न होकर तो हिंदू मलकोट तक जाता है। 1970 तक जिहड़ा है रेलवे स्टेशन जंक्शन रहा, उस वक्त मिंचनाबाद तो बावल नगर वाले स्टेशन जंक्शन नहीं सन, इतने बहुत सारिया ट्रेना आदि सन जा सन। उस तो बाद ट्रैक मुसलसल जिहड़ा है वह जवाल पजीर ही होंदा रहा। तालबन 2012 च इस गड्डी जिहड़ा है ना आनी बंद हो गई सी, आखिरी वाली जी आखिरी गड्डी तकरीबन 2012 में आई। पार्टीशन तो पहले इतने कैद आजम मुहम्मद अली जनाह साहब भी एक रात रुके सन। जबरदस्त जी। और मशहूर लिखारी इंतजार हुसैन साहब के बारे भी आखा जाता है कि उन्होंने भी अपनी किसी तहरीर के इस रेलवे स्टेशन का जिक्र किया है। हाँ जी। खैर साढ़े नाल बहुत सारे लोग जिहड़े चढ़ते पंजाब के जिहड़े इत्थों उठ के गए ने वो अक्सर इहदा जिक्र करते हैं और कहते हैं कि असीं इत्थों सफर किया। रेलवे स्टेशन जिहड़ा है मंडी सादिकगंज का एक तारीखी हैसीयत रखता है। ये बारे च हुण इस वक्त सुन रहे हैं असीं कि दोबारा रेल का है इफ्तिताह होने लगे, ये बारे च जी वो दोबारा ट्रैक जिहड़ा है बावल नगर वाले पासों आ रहे ने मंडी सादिकगंज वाल, दोबारा नवा ट्रैक जिहड़ा है वो बना रहे हैं। अच्छा, इस रेलवे स्टेशन का 1970 तक जिहड़ा नाम सी वो सी मैकलोड रोड रेलवे स्टेशन। मैकलोड मैकलोड रोड ये जिहड़ा सीधी सड़क जाती है मैकलोडगंज नूं जाती है। हाँ जी, वो फिर उसकी निस्बत नाल इसका नाम जिहड़ा है मैकलोड रोड। मेरे ख्याल विच वो पोलिटिकल एजेंट सन जनरल मैकलोड साहब, जनरल मैकलोड जी ने मैकलोडगंज का नाम मैकलोडगंज है। 1970 में मौलवी अब्दुल अजीज साहब चेयरमैन बने तो उन्होंने फिर एक करारदाद जी पास करवाई कि इसका नाम जिहड़ा मंडी सादिकगंज रेलवे स्टेशन रखा। इतने मुसाफरखाना सी, बहुत सारे लोग इतने आते सन जाते सन, फिर उसकी वजह से मंडी भी आबाद सी, उतों लोग बहुत सारा समान लैके आते सन, इतों समान लैके उधर जाते सन। ठीक हो गया। अच्छा रिजवान साहब, अगर अगर आप स्ट्रक्चर से गल करें जी, वेखो कितना धुप्पा कितना बारिशा कितने चक्कर इसलिए जो है जी, लेकिन हूँ भी यदि लकड़ी और यदि हर चीज़ तकरीबन अगर इसको दोबारा से किया जाए। हाँ जी, बहुत अच्छी हालत इंसानी है जी। बिल्कुल, ये अंग्रेज दौर की बनी हुई है, हर चीज़ बड़ी उन्होंने मजबूत पायदार लाई है, हर चीज़ हो गई है, इस कोई तब्दीली नहीं की। असा पहले तो जोड़ा है ना दरवाज़ा भी नहीं नवा लवाया, सारा उस दौर का बड़ा मजबूत खड़ा है। सही। हाँ जी। अच्छा, तो अपना रिजवान साहब थोड़ा जहाँ
ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब डिगी कहने सारा जरा मोटर के जरिए पानी जी है कि अज तक खुश्क नहीं हुई। मतलब हाँ जी 1971 की जंग में एक प्यारा भी उस आके डिग गया, लेकिन बाद उसका मलबा नहीं मिला। मलबा नहीं, हाँ जी, वो अज तक जी है ना उस हालत में पानी मौजूद ही रहता, खुश्क नहीं हुई कभी भी। जी रिजवान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन तुसी जिवें कि वेख्या सुनिया कि इस रेलवे स्टेशन नाल जुड़ियां यादां दी गल कीती गई, साढ़े बहुत सारे भैन भरा चढ़दे पंजाब दे और जिहड़े बाहर जा के वस गए ने ਉਹ ਮੰਡੀ ਸਾਧਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।